हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले ईसीएस ऑस्ट्रेलिया टी टेन लीग का आज का फर्स्ट और मैच नंबर 21 होगा, जो खेले जाने वाला है एसएनए वर्सेस एडीडी के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज 12:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें, आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज इसको 90 से 120 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें, टोटल अब तक 20 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। 11 मैच जीते बैठ टीम ने 9 मैच में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें एसएनए की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपका टोटल फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सकते, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लें एस एन ए की टीम की, 3 मैच खेले ना टीम। पहले 2 मैच विन के, लास्ट मैच ये हारी है। लास्ट मैच विनिंग की थी यहाँ से लकमल कस्तूरी ने और किशन जल पथुरु ने। यहाँ से लकमल की बात करें, 88 नोट आउट, 3 विकेट, 17 2 विकेट, 22 1 विकेट है। तीनों मैचों में आपको सुपर पॉइंट दिए हैं, अपने सीवीसी लाइक ऑप्शन होने वाला है। किशन की बात कर लें, 1 विकेट 43, 1 विकेट 4 रन, 1 विकेट है। तीनों मैचों में एक एक विकेट निकाला है। सेकेंड मैच में तो 43 रन की बेहतरीन पारी भी खेली है। जनन की बात कर लें, 50 नोट आउट, 35 और 48 रन, तीनों मैचों में सुपर पॉइंट दिए हैं आपको बैटिंग से। 2023 की बात करें ना, तो टी टेन के 10 मैच में 120 रन, 4 विकेट निकाले थे, 3 ओवर डाल के, पर बॉलिंग इन्हें अभी मैच में मिली नहीं। अगर बॉलिंग मिलती तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन के आता। यहाँ से आते हैं सत्यम सुभाष की बात कर लें, 0 विकेट 4, 41 नोट आउट, 0 विकेट हैं। 2 मैचों में बॉलिंग मिली, विकेट नहीं मिले, पर लास्ट के मैच में 41 नोट आउट की अच्छी पारी खेली है। जमील यहाँ से बहराम खिल की बात करें, 9 बैटिंग 7 नोट आउट हैं। 2023 में टी टेन के 9 मैच में 103 रन, 17 का एवरेज है। यहाँ से आते हैं मोनीब बहराम खिल की बात करें, 9 बैटिंग 22 नोट आउट, 0 विकेट। यहाँ से आते हैं परहान मोहद्दीन की बात करें, 9 बैटिंग रहे थे। 2023 की बात करें, टी टेन के 6 मैच में 64 रन, 10 का एवरेज है। बसित इकबाल, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। पूरे मैचों में ना कन्फर्म बॉलिंग मिली और अब तक ये 6 विकेट निकाल चुका है, बॉलिंग सॉलिड करता है। 2023 की बात करें तो टी टेन के 6 मैच में 17 रन, 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के। हमजा भट्टी, 9 बैटिंग 9 बैटिंग है। टी ट्वेंटी के 1 मैच में 2 विकेट हैं। यहाँ से आते हैं दिवित विजय सेकरा की बात कर लें, 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट है। सेकेंड मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले हैं। 2023 की बात करें तो 10 मैच में 20 रन, 3 विकेट। बात कर लें यहाँ से अमित नथवानी की, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। तीनों मैचों में बॉलिंग की, विकेट निकाले हैं। बात कर लें बेंच की, बेंच में से जो भी खेलेगा जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से एल कस्तूरी, यहाँ से के दलबटू। डेथ के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से एस सुभाष, यहाँ से एम बहराम खेल और के दलपटी। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिमिटेड रहने वाले। बात करें दूसरी टीम एडीडी की, 3 मैच के लेना टीम, तीनों मैच ये बुरी तरह हार के आ रही है। लास्ट मैच विनिंग की थी तारिक अंदजई ने और शाहीन महमूद ने। तारिक की बात कर ले, 15, 12 और 32 रन। 2023 की बात करें, टी टेन के 10 मैच में 152 रन, 5 विकेट हैं। शाहीन महमूद, 0, 9 बैटिंग 24 रन है। लास्ट के मैच में 24 रन की बेहतरीन पारी के लिए हैं। टी टेन के 10 मैच में 55 रन है। बात कर लें रफीउल्लाह की, 0, 10 रन। टी टेन के 5 मैच में 78 रन, 15 का एवरेज है। यहाँ से आ जाते हैं शायद अवैध की बात कर लें, 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। लास्ट के मैच में कमाल का बंदे ने 2 ओवर डाल के 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अजमल की बात कर लें, 9 बैटिंग 0 विकेट। टी टेन के 9 मैच में 11 विकेट। नक्की जापरी, 1 विकेट 0 विकेट और 5 रन। टी टेन के 7 मैच में 0 विकेट है। बात कर लें यहाँ से सफिक सेफ की, 28 नोट आउट, 0 विकेट 0 विकेट और 14 0 विकेट है। पहले मैच में बेहतरीन पारी खेली थी 28 रन की। बाकी बॉलिंग तीनों मैचों में कीपर विकेट 1 नहीं मिला। बात कर लें यहाँ से बुजेट हमारे की, 23 रन, 57 नोट आउट, 0 विकेट 11 नोट आउट है। तीनों मैचों में बैटिंग सुपर की है, बॉलिंग सेकेंड मैच में कीपर विकेट नहीं मिला। यहाँ से आता है वली हुलाक की बात कर लें, 47, 0 विकेट 20, 0 विकेट और 3 नोट आउट 0 विकेट है। तीनों मैचों में बॉलिंग मिली, विकेट नहीं मिला। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की है।
हिलाल वाले खेल की बात कर लें, लास्ट मैच में कमाल का बंदे ने दो ओवर डाले और दो ही विकेट निकाले हैं, तो मौका आपको बॉलिंग सेक्शन से जरूर देना है। ये बात रहमान की बात कर लें, जीरो विकेट नो बैटिंग एक विकेट है, T10 के चार मैच में जीरो विकेट है। बात कर लें बेंच की, बेंच में से जो भी खेलेगा जानकारी मिल जाएगी, देख लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से SAP S आबिद, डेथ के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से W मंदजाई, यहाँ से H वलिखेल और इमाद रहमान। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिमिटेड रहने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हमने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना चलते अपने डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर डेमो टीम अपने विकेट सेक्शन से करने वाला S महमूद को, यहाँ से बैटिंग सेक्शन से अमरजाई जे, यहाँ से गजलाइज को, यहाँ से भी ओमारी L कस्तूरी और यहाँ से K दलपड्डू को, ऑलराउंड सेक्शन से W मंजदाई को, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से S सुभाष S आबिद, B इकबाल A नथवानी को, कैप्टन करूँगा यहाँ से L कस्तूरी, वाइस कैप्टन करूँगा J गुलजाई को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा, क्योंकि T10 है, T10 में यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही कुछ यहाँ पर सही से टीम दे पाऊंगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको अच्छी विनिंग करनी है तो जाना है टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि यहाँ पर एक न्यूज सामने आ रही है कि टेलीग्राम में कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट और टेलीग्राम के बीच में कुछ बड़ा इशू चल रहा है, जिससे हो सकता है कि टेलीग्राम में कुछ आगे प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, तो वहाँ पर आपको जाके ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन हो जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम पर तो आपको फाइनल टीम व्हाट्सएप चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।